दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप एक ऐसा सेटअप की तलाश कर रहे हैं जिससे दोस्तों आपको प्रॉफिट हो जाए, आपको लॉस ना हो, आप हमेशा प्रॉफिट बुक करके ही जाए। और दोस्तों, आज का जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मोमेंटम सेटअप है। ये मोमेंटम को दोस्तों कैप्चर कराता है और आपका प्रॉफिट बुक करवाता है। यहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस दोस्तों 1% होता है और बाकी 99% यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बस आपको इस सेटअप को समझना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप लास्ट तक देखते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये सेटअप बताऊंगा। इस सेटअप का दोस्तों आप यूज करके आप मोमेंटम को पकड़ सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कम से कम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 300 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कम से कम उससे ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सेटअप बताऊंगा जिससे कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेटअप के बारे में कि वो सेटअप कौन सा है जिससे आप अपना प्रॉफिट आसानी से बुक कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 300 पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको 300 पॉइंट अगर मिल जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट कितना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताता हूँ सेटअप के बारे में जिससे आप दोस्तों अच्छा प्रॉफिट बुक करें। तो दोस्तों इस सेटअप को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे मैं चार्ट लगा लेता हूँ। दोस्तों ये 5 मिनट में भी काम करता है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट जब ये काम करता है दोस्तों ये 15 मिनट के चार्ट में करता है। 5 मिनट में भी दोस्तों आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ पे अगर 15 मिनट के चार्ट में आप करते हैं तो आपके एसएल यहाँ पे हिट नहीं होंगे और यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इस सेटअप का जरूर यूज करता हूँ। जब भी मेरा ये सेटअप दोस्तों बनता है तो दोस्तों मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है दोस्तों इंडिकेटर में जाना है। तो आपके यहाँ पे जो भी आप यूज करते हैं डीमेट अकाउंट दोस्तों, जो भी ब्रोकर का आप यहाँ पे यूज करते हैं, आपको उसके इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में दोस्तों आपको सर्च करना है यहाँ पे बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पर आपको बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको बोलिंजर बैंड की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, सेटिंग में जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको पीरियड इसका 20 रहने देना है। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन को चेंज कर देना है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपके पास कुछ और लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा है स्टैंडर्ड डिवीजन, आपके पास यहाँ पे मल्टी कुछ लिखा होगा। तो दोस्तों बस आपको इसी को चेंज करना है। इसको चेंज करके दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की जगह पे आपको 1.5 कर देना है। बस इतना सा आपको करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप का और मीडियम का और बॉटम का जो बोलिंजर बैंड है दोस्तों, टॉप मीडियम बॉटम, इसके 3 यहाँ पे कलर हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर चेंज करना है आपको। यहाँ पे मैं इसका येल्लो कर देता हूँ, जो भी आपको दोस्तों लगता है वो कलर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका पिंक कलर कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों बस आपको डन पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर लिया है, नीचे यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे ये पिंक। अब दोस्तों आपको इस सेटअप को ध्यान से समझना है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आप समझ लेते हैं। दोस्तों आज मार्केट ओपन हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो मार्केट यहाँ पे आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद दोस्तों ये देख रहे हो लाइन नीचे की, सबसे नीचे वाली जो है, ये जो बैंड है दोस्तों सबसे नीचे वाला, इसके नीचे दोस्तों कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसके बिल्कुल नीचे, इसको टच नहीं करना चाहिए। देखो जैसे ये कैंडल टच कर रही है यहाँ पे इसको, और इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी ये भी इसको टच कर रही है, इसके बाद तीसरी कैंडल भी टच करनी है। तो कैंडल सबसे बाहर बननी चाहिए। तो ये वाली कैंडल जो हैमर कैंडल बनी है दोस्तों, ये सबसे बाहर बनी है। इसके देख सकते हैं कितना बाहर है यहाँ पे, इस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। बस जब भी दोस्तों ऐसा मूवमेंट आपको मिले जब इस लाइन के साथ टच नहीं कर रहा है, कैंडल एकदम बाहर की तरफ है, तभी यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों ट्रेड देख सकते हैं, इस कैंडल के क्लोज होते ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे कितने पे था, 38,700 पे कुछ था यहाँ पे। देखो ये देखो 38,700। इसके बाद दोस्तों इसने कितना मोमेंटम दिया यहाँ पे, कितने पॉइंट्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ तक गया ये। ये देखो बिल्कुल यहाँ तक ये यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने 39,300 से भी ऊपर का यहाँ पे हाई लगाया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए दोस्तों, 38,700 और यहाँ पे 300 प्लस कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों 600 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंट आपको देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों 300 पॉइंट यहाँ पे आप कम से कम मिनिमम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, बट यहाँ पे 600 पॉइंट का यहाँ पे इसने हाई लगाया है। तो 600 पॉइंट दोस्तों अगर आपको मिल जाए तो सोचो अगर आपने एक लॉट भी लिया हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। आप खुद कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना कितना होता है अगर 600 पॉइंट को हम एक लॉट के साथ कैलकुलेट करते हैं।
अब 600 पॉइंट मिलना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, तो ये होता है मोमेंटम। तो बोलिंजर बैंड दोस्तों इसीलिए काम आता है यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी मार्केट दोस्तों जितना नीचे जा रहा है उसे जाने दो, नीचे आ रहा है आने दो आने दो आने दो, तो यहाँ पे आता रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब इस लाइन के नीचे वो अपनी कैंडल को क्लोज करे, ना इसका हाई टच करे ना इसका लो टच करे, बस तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो दोस्तों ये तो था, मार्केट अप जाता है तब आपको ट्रेड कब करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाउन साइड का मोमेंटम कैसे पकड़ना है। तो उसके लिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे दूसरे ग्राफ में चलता हूँ, डाउन साइड का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे अप साइड में भाग रहा था, जब भी इसने ऊपर वाली लाइन के साथ दोस्तों जब तक ये चल रहा था यहाँ पे, इसके बाद जैसे इसने इस लाइन को छोड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, तो बस आपको क्या करना है यहीं पे अगले कैंडल के नीचे आपको ट्रेड ले लेना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एसएल भी हिट हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको यहाँ पे छोटा सा बस यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एसएल लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल इसमें हिट हो गया, बट आपको क्या करना होता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एसएल छोटा बन रहा है तो आपको एक अगले कैंडल का भी वेट करना है। तो अगले कैंडल ने जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, तो आपको क्या करना था, आपको इस वाले कैंडल का यहाँ पे एसएल रखना था और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रेड ले लेते। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ अगर यहाँ भी आपने ट्रेड लिया होता, क्योंकि यहाँ तो हमको दोस्तों यहाँ पे ये अलर्ट कैंडल पहले ही बन चुकी है, इसने हमको अलर्ट कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगा, ये जो कैंडल है इसने हमको अलर्ट कर दिया, बट यहाँ पे कैंडल ये छोटी सी बनी इसलिए हमारा एसएल भी यहाँ पे छोटा सा बना। अगर दोस्तों अगर आप यही ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता। तो जब छोटा सा दोस्तों कैंडल बनता है तो आपको क्या करना होता है, आपको अगले कैंडल का वेट करना होता है, अगली कैंडल कैसी बनेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमको इसने पहले ही अलर्ट कर दिया था इस वाली कैंडल ने, लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल का वेट करना है, और अगली कैंडल का दोस्तों जो भी कैंडल अगली कैंडल बनती है आपको उसका एसएल यहाँ पे रखना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं पे भी बीच में या यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रेड लेना है। तो अगर आपने यहाँ भी ट्रेड लिया होता या कैंडल क्लोज होने के बाद में भी दोस्तों ट्रेड लिया होता, तो यहाँ पे देखो 39600 पे यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो ये कहाँ तक मार्केट गया है दोस्तों, यहाँ तक देखो यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। इसके बाद जिसने ग्रीन कैंडल बनाई है यहाँ पर, तो यहाँ पे दोस्तों कितना, ये 38900 पे गया है। तो यहाँ पे 600 और 38900, तो यहाँ 300 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मोमेंट मिला है। तो 300 पॉइंट यहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट अपना बुक किया 300 पॉइंट का। तो 300 पॉइंट दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हमने 600 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिखाया था और यहाँ पे दोस्तों 300 पॉइंट का। तो ये दोस्तों ट्रेड मैंने लिया था लास्ट टाइम, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 300 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बुक किए थे, तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो 300 पॉइंट दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही दोस्तों मोमेंटम पकड़ने हैं तो आपको इस बोलिंजर बैंड की दोस्तों मैंने आपको सेटिंग बता दी है कैसे करनी है, और सबसे ऊपर से आपको कैसे ट्रेड लेना है, सबसे नीचे से कैसे ट्रेड लेना है। जब दोस्तों मार्केट नीचे आ रहा होता है और आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना होता है, और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो आपको वेट करना होता है अपने मोमेंटम का कि कब आपका बोलिंजर बैंड का सेटअप बने और आपको नीचे का ट्रेड लेना हो, यानी कि आपको पुट लेना हो, और यहाँ पे आप जो है अपना प्रॉफिट इस ट्रिक से दोस्तों इस बोलिंजर बैंड की मदद से इस सेटअप की मदद से आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद आपको ये सेटअप पूरा पसंद आया होगा, अगर आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारा लाइक का दोस्तों एक एम है 1K, यानी कि 1000 हमको लाइक चाहिए, और वीडियोस पे दोस्तों अगर आप व्यूज अच्छे खासे बढ़िया व्यूज हमको दिला दे तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ ट्रेडिंग के बारे में जो भी होता है दोस्तों। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।